रंगों का त्योहार होली आने वाला है, बेहद करीब है। ऐसे में होली का खुमार अभी से लोगों के सिर चढ़ने लगा है। आज आपको लेकर चलते हैं मथुरा के बरसाना, जहां की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली आज भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ कुछ इस तरह से खेली जाती है। न्यूज नेशन भी इस खास मौके पर मथुरा के बरसाने में मौजूद रहा। देखिए लठमार होली के रंग नैना यादव के संग। अरे तू सुन बरसाने की गोरी, खेलेंगे तुम संग होरी, बाग के ननवर तान आए नटवर नंद किशोर, ऊपर तो पे छींट को और नीचे गोटालाल, भाभी ऊपर तो पे छींट को और नीचे गोटालाल, और घूंघट खोल दिखाए दे तेरे नारंगी से गाए बजाए गयो रे। हंसी ठिठोली, अबीर गुलाल और लठ बरसाती हुरियारन, ये तस्वीरें हैं बरसाना की लठमार होली की, जहां होली का अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। आज बिरज में होरी रे रसिया, जी हाँ, कुछ इसी तरह की गूंज इस समय पूरे बरसाने में गूंज रही है। रंगों का त्योहार होली शुरू हो चुका है और इसके साथ ही शुरू हो चुका है हर्ष और उल्लास का त्योहार। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध है लठमार होली, भाई होली तो रंगों का त्योहार है, इस बीच लठ का क्या, तो वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो लठमार होली की तैयारी किस तरह से होती है वो आप देखिए। दरअसल जो दो प्रमुख दिन होते हैं, एक दिन बरसाने में लठमार होली होती है और उसके अगले दिन होती है नंदगांव में। तो फिलहाल आप ये देख रहे हैं नंदगांव से आए हुए हुरियारे जो तैयार हो रहे हैं बरसाने जाने के लिए, और उसके बाद में खेली जाएगी बरसाने में लठमार होली। और इसकी तैयारी बेहद ही अलग तरीके से की जाती है। हालांकि कोरोना का खतरा जरूर है, ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार वो रंग फीका पड़ जाए जो हर साल नजर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इस तरह से हमेशा तैयार की जाती है। ये क्या है सर? ढाल है। आप कहाँ से आए? नंदगांव से। अच्छा, तैयारी किस तरह की होती है मैं दिखाती हूँ, जरा देखिए भाई। नंदगांव से आए हुए हुरियारे कितने यहाँ पे एक अलग रंग में नजर आते हैं। आज आप एकदम कृष्ण जी के सखा बने हुए हैं। हाँ जी, आज हम ही नहीं, यहाँ पे जितने भी ग्वाल वाल हैं सब कृष्ण जी के रूप में ही हैं। आज आज बरस दिनासो लाग रही मन याही सुख की आस, और दान देओ श्री दान बिहारी याही ब्रिज को बास। तो आज यहाँ नंदगांव बरसाने की होली है रंगीली। कल बरसाने से सखियाँ आई थी नंदबाबा मंदिर में और न्योता दिया था श्री कृष्ण भगवान को कि कल आप हमारे यहाँ होली खेलने आए। तो आज झंडी को लेकर के, श्री कृष्ण का प्रतीक मानी जाती है झंडी, उसे लेकर के सभी हो रहे आ रहे यहाँ बरसाने होली खेलने के लिए। तो बरसाने में कैसे होली खेलेंगे, क्या होता है बरसाने में? पहले तो यहाँ से राधा रानी के मंदिर जाया जाएगा, वहाँ पे उनको दर्शन करेंगे, उनको नमन करेंगे, फिर वहाँ से रंगीली गली में उतरेंगे और राधा रानी की जो गोपियाँ हैं उनके साथ हंसी ठिठोली होंगी कि अरे तू सुन बरसाने की गोरी, खेलेंगे तुम संग होरी, सुन बरसाने की गोरी, खेलेंगे तुम संग होरी। तो उनके साथ हंसी ठिठोली होंगी, उसके उपरांत वे लाठियों से प्रहार करेंगी। तो उसके लेकिन आप, मैं तो देख रही हूँ आपके हाथ में ढाल की जगह लाठी है। ये लाठी नहीं है, लकुट है। श्री कृष्ण भगवान लकुट को लेके चलते थे अपने साथ। अच्छा, तो ये उनकी लकुट है। लठमार होली का अपना ही मजा है, इसलिए इसमें हिस्सा लेने के लिए क्या बड़े क्या बच्चे, सब उत्साह से भरे रहते हैं। भारत की संस्कृति, भारत के रंग, भारत के तीज त्योहार अपने आप में बेहद खूबसूरत है। यही वजह है कि जो हमारी परंपरा है सदियों से चली आ रही है और वो आज भी देखी जा सकती है। आप देखिए जरा कैसे एक पीढ़ी अपनी उस परंपरा को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाती हुई भी हम इस दौरान जब बरसाने में देखते हैं तो ये तस्वीर नजर आती है कि हमारी संस्कृति आने वाली पीढ़ी कैसे समझेगी। ये तस्वीर आपको बरसाने में राधा रानी के इस दरबार में जरूर देखने को मिलती है। आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? नंदगांव। नंदगांव से आए हो, नाम क्या है आपका? लक्ष। लक्ष, आप क्या करने वाले हो आज? है? क्या करोगे? लठमार होली खेलोगे। ये क्या पहना है आपने? है? ये पगड़ी। पगड़ी पहनी है। अच्छा, ये बताओ लठमार होली खेलोगे? क्या होती है लठमार होली? क्या होती है होली?
लठमार होली क्या होती है? लठमार होली लावे। हाँ, वहाँ पे आपको लठ मारेंगे, लगेगी नहीं ये, बच जाएगी। आपका क्या नाम है? कान्हा। कान्हा, अरे वाह। कान्हा खुद आए बरसाने होली खेलने के लिए। लक्ष्य की उम्र क्या है? लक्ष्य की उम्र है 6 साल। और आपकी? मेरी 11 साल। अच्छा, लठमार होली क्या होती है कान्हा, जानते हैं क्या होती है? लठमार होली में जो कृष्ण जी के सखा होते हैं वो बरसाने होली खेलने आते हैं, एक दिन पहले, और दूसरे दिन जो राधा रानी के सखी मंडला के वो सखा होते हैं वो एक दिन पहले न्योता देने जाती हैं, गुलाल लगाने जाती हैं नंदगांव, और अगले दिन बरसाने के बच्चे, बूढ़े, गोस्वामी परिवार के जो भी लोग होते हैं वो नंदगांव आते हैं होली खेलने। और फिर लठमार होली के लिए आते हैं। हाँ। ये आपको पापा ने सिखाया, बताया? हाँ। देखिए यही खूबसूरती है, आप हर बार अपने बच्चों को लेकर आते हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। आप ये तो बहुत छोटे छोटे हैं तो उनको लेकर? ये फर्स्ट टाइम आया है। ऐसा है कि हमारे यहाँ प्रथा है 5 साल के ऊपर का होली खेल सकता है या 11 साल के ऊपर का होली खेल सकता है, इसीलिए ये 5 साल से ऊपर हो गया, ये 11 साल से ऊपर हो गया। तो आप ये बताना चाहते हैं कि आपके बच्चों को भी संस्कृति के बारे में पता रहे, जुड़े रहे? हाँ, जुड़े रहे ये संस्कृति के बारे में, आगे ये अपने आप खेलें। लठमार होली के लिए वैसे तो 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन होली के दिन हुरियारे पारंपरिक परिधान में खुद को तैयार करते हैं और गीत गाते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार जिस तरह से बेहद ही खूबसूरत तरीके से लठमार होली मनाई जाती है और वो अब शुरू भी हो चुका है, बेहद खूबसूरत पर्व जो कहा जाता है रंगों का है, लेकिन जब बात अगर हम बरसाने की करते हैं, मथुरा की करते हैं, ब्रजभूमि की करते हैं, तो यहाँ पर एक अलग खूबसूरती नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर लठमार होली, कहने को ऐसा लगता है कि लठ बरसाए जाएंगे, लेकिन इस लठ में भी प्रेम होता है। लठमार होली का आयोजन किया जाता है, जब 2 दिन का ये लठमार होली का पर्व, जब एक बार नंदगांव से आए हुए हुरियारे आते हैं बरसाने और यहाँ पर मनाते हैं लठमार होली, और तैयारी इसी तरह की होती है दोनों तरफ से। आप देखेंगे फिलहाल जो भी हमें ये राधा कुंड है, पीली पोकर इसे कहा जाता है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जब लोग आते हैं तो उसके बाद में जो सभी हुरियारे तैयारी कर रहे होते हैं, आप देखिए किस तरह से तैयार हो रहे हैं। बाबा ये क्या क्या पगड़ी है? ये पगड़ी है, हमारे कृष्णा ने ढाल होली को पगड़ी रूप में खेला है। नहीं, और ये फाग उत्सव मनाया जाता है, सभी गोपी डंडा लेके आती हैं और हमारे जो ग्वाला हैं ढाल लेते हैं, उन पर लट्ठे मारती हैं गोपियाँ। तो आज ब्रज में होरी रे रसिया बर जोड़ी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। तो ये फाग उत्सव भी मनाया जाता है और होली के रूप में आज ढाल होली का उत्सव भी मनाया जाता है। ये दोनों की जय। अब बाबा ये हम देख रहे हैं कि इस दौरान यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आज 100 वर्ष का भी युवा हो जाता है, 100 वर्ष का भी युवा बन जाता है। आज का जो उत्सव है ये भगवान का इतना महान उत्सव है, जिसको ऐसा रस बरस रहे हो बरसाने, जो रस 3 लोक में ना है, ऐसा रस बरसाने में बरस रहा है, वो 3 लोक में नहीं है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब ऊपर से देख रहे हैं और देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, ऐसा उत्सव कहीं नहीं मनाया जाता है, ये बरसाने में मनाया जाता है। बिल्कुल। और ये ब्रिज भूमि में अलग, यहाँ पे इस दौरान फाग गीत भी गाए जाते हैं, कुछ जरा सुनाएंगे? फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, घेर लही सब रंगी गली है, छाए रही माँ छटा छबीली, छाए रही माँ छटा छबीली, खूब हुरदंग मचाए मांगत भर भर जो, फाग खेलन बरसान में आए नटवर नंद किशोर। बिल्कुल। और यही रंग, यही उमंग, यही उत्सव जो है वो खासियत है यहाँ की, और यही तस्वीर नजर आती है, और यही जो खूबसूरती है वो इस पूरे त्यौहार को और भी ज़्यादा बेहद खास बना देता है। प्राचीन ये उत्सव है लेकिन हर बार मानो नया सा लगता है, क्योंकि हर बार यहाँ पर एक नया उमंग, नया उत्साह, एक नई तस्वीर नजर आती है।
लठमार होली का इंतजार सिर्फ होरियारों को नहीं होता, बल्कि राधा के गांव में भी महिलाएं जिन्हें होरियारिन कहते हैं, उन्हें भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। हाथ में लठ है, श्रृंगारित यहाँ पे महिलाएं हैं। जी हाँ, यही तो है बरसाना और यही है बरसाने का रंग। दरअसल लठमार होली का जो त्योहार है वो इसी खूबसूरती के साथ में मनाया जाता है। आप तो बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजी हुई है, रंग का डर नहीं? होली है तो होली में क्या रंग से डरना, तो होली तो रंगों का त्योहार है, इसलिए होली रंगों से ही खेलनी चाहिए। तो आप, कहा जाता है कि बरसाने में जो बहू बेटियां हैं वो विशेष तौर से इसमें शामिल होती हैं, तो ये कहा जाए आप भी विशेष तौर से इसीलिए इसमें? ये बहुओं का त्यौहार होता है, इसमें बहुएं खेलती हैं, बेटियां नहीं खेलती हैं। हाँ। हमारा ये त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है, ये हमारे लिए बेटियां नहीं खेलती, बहुएं खेलती हैं। बहुएं हमारे राधा रानी का रूप है और हमारे नंदगांव से जो कन्हैया के रूप में आते हैं ठाकुर जी, उनके साथ होली खेलते हैं। बहुत दिनों से परंपरा चली आ रही है, हजारों वर्षों से। तो आप कैसे कन्हैया के साथ होली खेलते? हम नहीं खेलते, लड़कियां नहीं खेलती हैं, बहुएं खेलती। अच्छा, तो आप भाई, आपने इस लठ को भी तैयार किया, आप भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। कितने समय से तैयारी कर रही? काफी, करीबन एक महीने से तैयार किया था। मावर है चूड़ी है बिंदी है, पूरा वो तैयारी करी थी काफी, एक महीने से। तो और कैसे आप लोग आज मनाते हैं, कुछ गीत? भोग लगा ले, उतरिया के मोहे चढ़ा ले और ऊपर तो पे छींट को और नीचे गोटाला भाभी, ऊपर तो पे छींट को और नीचे गोटाला और घूंघट खोल दिखाए दे तेरे नारंगी से तो यही तो खूबसूरत त्योहार है, जहाँ पर हाथों में लाठियाँ, जुबान पे प्रेम रहता है, ये कहा जाए मस्ती भरे गीत होते हैं, लेकिन इसके साथ में होता है ढेर सारा स्नेह। जहाँ पर देवर और भाभी के बीच की मस्ती बताई जाती है, नंदगांव या बरसाने के देवर, वहाँ पर राधा रानी के रूप में सखियों के साथ में ये होली मनाते हैं, और यही वजह है कि बेहद खूबसूरत ये रंग और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। हुरियारे गीत गाकर गांव में पहुंचते हैं और उसके बाद शुरू होता है लठ मारने का कार्यक्रम, जिसमें महिलाएं लठ बरसाती हैं और हुरियारे ढाल से बचने की कोशिश करते हैं। तो कुंज की बरसाने की गलियां जितनी पतली हैं, उतना ही बड़ा दिल है यहाँ के लोगों का, और खास तौर से अगर मौका हो बरसाने की लठमार होने का तो बहुत अद्भुत हो जाता है। विश्व प्रसिद्ध ये लठमार होली क्यों है, आप देखिए, बेहद खूबसूरत परिधानों में सजी धजी ये यहाँ की महिलाएं हैं, ये कहा जाए बरसाने की बहुएं हैं, जो आज राधा रानी के रूप में है, और जो नंदगांव से जो हुरियारे आते हैं उनके साथ में होली खेली जाती है। क्या आप पहले भी होली खेलते रहे या फिर अभी आपकी? जब से शादी हुई है जब से ही होली खेल रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इस होली को लेकर बहुत तैयारियाँ की जाती है, बहुत लंबे समय से तैयारियाँ की जाती है। तैयारियाँ करते हैं, लहंगे बनाते हैं, फरिया बनाते हैं, खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, लड्डू खाते हैं, ताकि ताकत आए, ताकि ये मानने के लिए ताकत आए। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हर बार इस होली में अलग अलग रंग देखता रहता है, अलग ही। इस बार हमने देखा कोरोना का प्रभाव था, पिछली बार शायद इस तरह से धूमधाम से नहीं हुई। नहीं, हमारी पिछली बार भी हुई थी, क्योंकि 22 तारीख के बाद अलर्ट हुआ था और 22 से पहले ही हमारी होली हो गई। तो इस बार वो वाला उत्साह और ज्यादा है।
और ज्यादा ही एक्साइटेड है पूरे। कितने एक्साइटेड है, जरा कुछ गा के भी तो सुना दीजिए। लोग आएंगे नहीं, चलिए एक छोटा सा कुछ गा दीजिए, फाग गीत है। भागन ते फागुने आयो री, होली खेलूंगी शाम संग आज। तो शाम के साथ में होली खेलने के लिए बड़ी तैयारी की जाती है, क्योंकि इस बार कोरोना का प्रभाव इस तरह का है कि विदेशी मेहमान यहाँ पर नहीं आए, वरना हर बार यहाँ पर विदेशियों की भी भरमार नजर आती है, क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसा है जो सिर्फ आपको कुंज की गलियों में नजर आएगा। ये त्यौहार ऐसा है जो आपको सिर्फ बरसाने की गलियों में या फिर ये कहा जाए ब्रजभूमि में नजर आएगा, और इसी को देखने के लिए लोग बेहद उत्साहित होते हैं। आप देखिए इधर सर पीछे से, अच्छा तो कैसी तैयारी होती है, आप लोग तो लठ खाने के लिए भी तैयार हैं। अरे यहाँ पे लठ मार, ये जो लठ मार होली होती है एक्चुअली कृष्णा के जमाने की है। यहाँ पे पहले दिन हम लोग क्या करते हैं, सारे नंद गांव के छोरे बरसानी की छोरियों को लठ खाने आते हैं, और फिर कल हम लोग यहाँ से सारे यहाँ की छोरियाँ नंद गांव जाएंगे यहाँ पे लठ मार, वहाँ के छोरों को लठ मार। आप कहाँ से आए? वृंदावन। वृंदावन से आए हैं, बिल्कुल, यानी कि आप देखिए वृंदावन से नंद बरसाने की छोरियों के साथ में होली खेलने आए हैं। हाँ, ये यही एक अलग अंदाज है, लोग दूर दूर से जरूर आते हैं इसका आनंद लेने के लिए, और ये बहुत प्राचीन परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, आप ये समझिए, और इस प्राचीन परंपरा को मौजूदा दौर में भी कितनी खूबसूरती के साथ में लोग यहाँ पर मनाते हैं, यही कहा जा सकता है कि ये होली वाकई में अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। लठमार होली की ये परंपरा पूरे दिन चलती है, जिसका आनंद हुरियारे भी लेते हैं और हुरियारन भी। तो ये है बरसाने का रंगीला चौक, रंगीली गलियां, दरअसल यही वो रंग है जिसका लोग साल भर इंतजार करते हैं। देखिए लठमार होली, इसमें हंसी ठिठोली है, नाच है, गीत है, स्नेह है, प्रेम है और परंपरा की झलक है। ये तस्वीर आप, तो यही तस्वीर हर साल नजर आती है जब यहाँ की बरसाने की महिलाएं लठ बरसाती हैं नंदगांव के उरियारे को। आप जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे यहाँ पर चारों तरफ कुंज की गलियों में इसी तरह से लठमार होली इस समय चल रही है, और इसी पूरे पल का इंतजार साल भर किया जाता है। आप देखेंगे ऐसे छोटे छोटे घेरों में आपको जो सर पे एक तरह से कहा जाए अपना बचाव करने के लिए जो लोग हमेशा यहाँ पे तैयारी कर कर आते हैं वो होते हैं नंदगांव के हुरियारे। और ये आप देखेंगे मनोज जी को मैं चाहूंगी, मनोज जी आप दिखाएं किस तरह से यहाँ पर सजे धजे तैयार करके अपनी ढाल लेकर आते हैं, चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं जबकि उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे जब बरसाने की महिलाएं भी बरसाने की बहुएं राधा रानी के रूप में लाठियां बरसा रही हैं तो उनमें भी एक अलग स्नेह है। हालांकि लाठियां अगर किसी एक को पड़ जाए तो सोचे क्या हाल होगा, लेकिन यहाँ पे नंदगांव के हुरियारों को डर नहीं क्योंकि उत्सव का पर्व है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ नैना यादव, बरसाना।